नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव। मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पीड पोस्ट कैसे किया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट के ये डाउट रहता है कि स्पीड पोस्ट कैसे किया जाता है, भेजने वाले का नाम कहां लिखा जाता है और किसको भेज रहे हैं ये कहां लिखा जाता है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग के लिए जो 10,000 रुपये लगे थे उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाए। तो आप ये पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। अब स्टार्ट करते हैं आगे। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है ये अभी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ स्पीड पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा। स्पीड पोस्ट करने के लिए आपको एक लिफाफा लेना होगा, उसमें आपको लिखना होगा सबसे ऊपर किसको भेज रहे हो आप, जो एप्लीकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स है वो किसको भेज। यदि आप नर्सिंग काउंसलिंग के लिए फीस रिफंड के लिए एप्लीकेशन भेज रहे हो या और किसी भी कारणवश आप RUHS अपना स्पीड पोस्ट कराते हो तो आपको क्या लिखना होता है। आपको सबसे ऊपर लिखना होता है आप कोई भी चीज़ स्पीड पोस्ट कराओ तो उसमें ध्यान रखना सबसे पहले लिखना 2 और फिर आपको जहाँ भेजना है उसका एड्रेस। यदि आपको RUHS भेजना है, मैं फीस रिफंड के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको भेजना है RUHS एग्जाम कंट्रोलर सेक्टर 18 कुंभा मार्ग प्रताप नगर टोंक रोड जयपुर। नीचे आपको लिखना है पिन कोड नंबर। ध्यान रखें पिन कोड में कोई गलती ना हो। यदि पिन कोड में गलती जाती है तो आपका स्पीड पोस्ट आगे नहीं पहुंच पाएगा। जैसे कि मैंने बताया है ये सारा आपको ऐसे कैसे लिखना है स्पीड पोस्ट के लिए। पिन कोड आपको ज़रूर लिखना है। इसके आगे आपको नीचे लिखना होगा भेजने वाले का पता। मैं आपको ये मेरा एग्जाम्पल लेके आपको लिख के बता रहा हूँ। इसमें आपको खुद का नाम यानी कि जो भेज रहा है उसका नाम आपको यहाँ लिखना होगा। नाम के आगे डॉट ऑफ या सन ऑफ ये सभी यहाँ पे लगाना है। के नीचे आपको लिखना है आपका एड्रेस। ध्यान रखिए आप अपना पूरा एड्रेस मेंशन करें और नीचे आपके जो भी पिन कोड है वो आपको लिखना है। एक बार मैं पूरा फॉर्मेट आपको फिर से दिखा दूं। किसको भेज रहे हो यह आपको ऊपर लिखना है और कौन भेज रहा है यह आपको नीचे लिखना है। एड्रेस पूरा लिखना है, पिन कोड में कहीं भी गलती नहीं करनी है। यदि आप RUHS भेज रहे हो तो इसका कंप्लीट एड्रेस है RUHS एग्जाम कंट्रोलर। इस रिफंड के लिए आप एप्लीकेशन और अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो तो आप लोग तो आपको लिखना होगा 2 RUHS एग्जाम कंट्रोलर सेक्टर 18 कुंभा मार्ग प्रताप नगर टोंक रोड जयपुर और ये इनके पिन कोड नंबर। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जाना होगा अपने नज़दीकी स्पीड पोस्ट ऑफिस पे। वहाँ आपको एक स्पीड पोस्ट के लिए एक डाक लगानी होगी। वो डाक आप इस लिफाफे पे यहाँ ऊपर कहीं भी लगा सकते हो। ये डाक कितने की होगी ये डिपेंड करता है कि आप कितना वेट और कितनी दूरी पे सेंड कर रहे हो। तो आप जहाँ भी जिस डाक ऑफिस जाओगे वहाँ आप बता देना कि मुझे वहाँ पे ये सेंड करना है तो वो आपको एक डाक टिकट देंगे। वो डाक टिकट आपको इस लिफाफे पे लगाना होगा। यह डाक टिकट लगभग 30 से 40 रुपए के लगभग आएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्पीड पोस्ट भी करा सकते हो या बाई हैंड भी जमा करा सकते हो। लिफाफा आपको बाज़ार में मिल जाएगा स्टेशनरी की दुकान पर, तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स इस लिफाफे में डाल के भेज सकते हो। अभी स्टूडेंट के ये भी डाउट रहेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पूछे है या नहीं पूछे, तो इसके लिए आप इस डाक टिकट पे नंबर आते हैं उससे आप ट्रैक करके पता लगा सकते हो कि अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक चले गए हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा कैसे ट्रैक किया जाता है। अब आगे डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखे। एप्लीकेशन आपको A4 साइज के वाइट पेपर पर लिखना है। आपको लिखना है सेवा में श्रीमान RUHS परीक्षा नियंत्रक महोदय सेक्टर 18 प्रताप नगर जयपुर। विषय में आपको लिखना है नर्सिंग काउंसलिंग फीस 10,000 रुपये वापसी हेतु। महोदय नम्र निवेदन है कि मैंने नर्सिंग काउंसलिंग 2019-20 कराने हेतु 10,000 रुपये जमा कराए थे एवं मुझे कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुई है, अतः मुझे मेरी काउंसलिंग फीस वापस करने की कृपा करें।
यदि आपको कॉलेज नहीं मिली है तो सेम टू सेम आप एससी की ऐसे लिख देना, और यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गई थी, आपने कॉलेज छोड़ दिए, तो आप इसमें मेंशन कर देना कि मुझे कॉलेज अलॉट हो गई थी लेकिन मैंने किसी कारणवश उसे छोड़ दिया है, मुझे मेरी काउंसलिंग फीस वापस करने की कृपा करें। यदि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिली है तो सेम एज इट इज ऐसे कैसे आप लिख देना। इसमें आपको नीचे बैंक खाते का वितरण आपको देना है। यहाँ पे आपको लिखना है नाम, स्टूडेंट का खुद का नाम होना चाहिए, आगे पिता का नाम, फिर नीचे आपको देना है खाता संख्या, नीचे बैंक का नाम। खाता संख्या में ध्यान रखना आप कोई भी गलती मत करना। बैंक का नाम, यदि आपका बैंक SBI का है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख देना, OBC का है तो OBC बैंक लिख देना, जो भी आपका बैंक है वो बैंक का नाम लिख देना। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप SBI का बैंक लगाओ या OBC का ही बैंक लगाओ, आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है वो आप लगा सकते हो। इसके नीचे आपको लिखना है ब्रांच, आपकी ब्रांच का एड्रेस। मैं अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ, प्रताप नगर जयपुर, आपका जो भी बैंक है वहाँ का एड्रेस आपको लिखना है। नीचे IFSC कोड आपको लिखने है, ध्यान रखना इसमें कोई भी गलती मत करना। आगे देखते इसमें नीचे इधर लिख देना आप संलग्न, आप इस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या लगा रहे हो। इसमें आपको लगाना है साथ में काउंसलिंग राशि 10,000 रुपये की RHS मूल कॉपी। ये मूल कॉपी आपको फोटो कॉपी लगानी है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं लगाने हैं। साथ में आपको लगाना है आधार कार्ड की कॉपी, और थर्ड नंबर पे आपको लगाना है बैंक पासबुक की कॉपी, जो फर्स्ट पेज होता है उसकी फ़ोटो कॉपी आपको लगानी है। और ये सब करने के बाद आपको लगाना है इधर आज्ञाकारी आपका नाम, फॉर्म नंबर, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका कंप्लीट एड्रेस। एड्रेस में आपको अपने पिन कोड भी लिखना है, ध्यान रखें आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर देना, फॉर्म नंबर, रोल नंबर और पता। एक बार मैं आपको ये पूरा फॉर्मेट फिर से दिखा देता हूँ। सेवा में श्रीमान RHS परीक्षा नियंत्रक महोदय, सेक्टर 18, प्रताप नगर, जयपुर, विषय में आप लिख देना नर्सिंग काउंसलिंग फीस 10,000 रुपये वापसी हेतु, और इसमें आगे आप लिख देना 70/2019-20 नर्सिंग काउंसलिंग करवाई थी, कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुई तो मुझे 10,000 रुपये रिफंड करने की कृपा करें। आगे बैंक के खाते का वितरण, बैंक के खाते का वितरण आप बिल्कुल क्लियर लिखें, और नीचे आपका नेम, फोन नंबर, कंप्लीट एड्रेस लिखें। इसी के साथ आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको सिग्नेचर करने हैं, साथ ही आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाओ उन सभी पे भी सिग्नेचर करने हैं। इसी के साथ मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूँ जो RHS यूनिवर्सिटी पे लगा रखा है। आवश्यक निर्देश, नर्सिंग, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग एवं MSc नर्सिंग काउंसलिंग 2019 की फीस रिफंड के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, समस्त नर्सिंग महाविद्यालयों राजकीय निजी आवंटित छात्रों के संबंध में एवं संबंधित छात्रों आवंटन से वंचित रहे या शेष रहे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग राशि 10,000 रुपये के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार दस्तावेज विद्यालय के प्रथम तल पर रिसेप्शन काउंटर पर जमा करावे। इसमें आगे बता रखा है छात्र छात्राओं हेतु प्रार्थना पत्र, चालान की मूल प्रति और स्वयं के बैंक खाते की छाया प्रति, आधार कार्ड या पहचान पत्र। ध्यान रखना इसमें आपको स्वयं के बैंक की खाते की पासबुक देनी है, आपके पेरेंट्स की बैंक अकाउंट की पासबुक नहीं चलेगी। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप ओपन करा लीजिए, अभी टाइम सफिशियंट है, आप मार्च में कभी भी भेज सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजने की कोशिश करें। साथ ही यह प्रोसेस ऑफलाइन प्रोसेस है, यदि ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और इसी के साथ एक नोटिफिकेशन और है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह नोटिफिकेशन लास्ट ईयर का है, अब मैं लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि एक आपको आइडिया लग सके। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोसेस है वो लास्ट ईयर इस समय कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन इस ईयर के लिए नहीं दिया है। तो आप एक बार ये जो भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं
ऑफलाइन बिना नोटिफिकेशन के ही ले रहे हैं। खैर इन्होंने नोटिफिकेशन लगा तो रखा है पर वो यूनिवर्सिटी पे लगा रखा है, इन्होंने ऑनलाइन कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो आप एक बार ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए ताकि आप सेफ जोन में रहो। यदि ये दोबारा से डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो आप एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स भेज देना। साथ में इसमें जो डॉक्यूमेंट्स के लिए नोटिफिकेशन दे रखा है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक बार आप फिर से देख लीजिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स। अभ्यर्थी का प्रार्थना पत्र, मैंने बता दिया है प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। इसके बाद में काउंसलिंग राशि 10,000 रुपये, RHS मूल चालान कॉपी, फोटोकॉपी देनी है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, सभी पे सिग्नेचर करना आवश्यक है। इसके बाद है ID प्रूफ, सत्यापित प्रति, मतलब आपको उस पर अपने सिग्नेचर करके देना है। अभ्यर्थी का पूर्ण पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्रार्थना पत्र पर अंकित होना चाहिए, मैंने ये आपको पहले प्रार्थना पत्र में ही बता दिया है। इसके आगे इन्होंने बताया है बैंक की पासबुक की प्रथम पृष्ठ की सत्यापित फोटो प्रति, आप प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी करा लेना और उस पर अपने सिग्नेचर करके भेजना है। इसके बाद इन्होंने बताया है अभ्यर्थी के बैंक खाते का वितरण, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके प्रत्येक कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।